साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण की एक विशेष अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। काफ़ी देर से हमें खुद इंतज़ार था लिस्टों का कि कल की सुनवाई के लिए जो भी प्रॉपर लिस्टें बनी हैं, काज लिस्टें सारी की सारी आ जाएँ तो समझ में आ जाए क्या स्थितियाँ कल की बनेंगी। तो सारी लिस्टें आ गई हैं और एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए है दोस्त, हर तरफ से घेराबंदी जारी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कल की हियरिंग की और कल की लिस्ट की। तो देखो, कल प्रेस केसों की संख्या बेहद कम है, ठीक है, 10 प्रेस केसेस हैं। अगर समय स्टार्टिंग सुनवाई हो गई तो कोई मतलब नहीं रहता, 10 केसेस यूं ही निपट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना तो कोई एप्लीकेशन है, ना तो बैकलॉग कोई प्रेस केस है, कुछ नहीं है 5 में। और सीधे सीधे जो आपका प्रकरण है वो अगर आप देखेंगे तो आपका 9वें नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है, डेली काज लिस्ट या एडिशनल कह लीजिए, ठीक है। आपका मामला जो है 9 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से देखिए आप इस चीज़ को, ठीक है। इससे तमाम याचिकाएं यहाँ कनेक्टेड हैं, 8056, ठीक, ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स, और जो भी तमाम याचिकाएं हैं वो सब की सब यहाँ से कनेक्टेड हैं। तो कल घबराने की बात नहीं है, कल सुनवाई की प्रबल संभावना है। अगर बेंच बैठेगी तो मामला ज़रूर टेकअप होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास और टीम की तरफ से हमने बता दिया है। सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब और माननीय अमित सिंह भदौरिया साहब उपस्थित रहेंगे, तो प्रकरण को देखेंगे। और टीम जो है, आधी टीम इस समय निकल चुकी है गोरखपुर के लिए, ठीक है, बाकी कोर्ट के कार्य के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए लोग हैं। और जो भी गोरखपुर के आसपास के साथी हैं वो अतिशीघ्र वहाँ पर उपस्थित हों, ऐसा आप सभी से निवेदन है हमारा। जो भी आसपास के साथी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अगर आप अपने घर से जा रहे हैं तो 2-4 साथी और आपके हों, हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती से ना रिलेटेड हो लेकिन वहाँ लेकर के उपस्थित रहिए। संख्या चाहिए वहाँ पे, तो संख्या आप वहाँ बना के रखें, बहुत ज़रूरी है, बिना संख्या के आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी साथी हैं 69,000 से पीड़ित उत्तर कुंजी, सब वहाँ पे भारी संख्या में उपस्थित हों। दूसरी एक बात मैं बात कर लूँ, हर तरफ से घेराबंदी की। तो मेरे भाई, स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बातें बहुत सुनिए। तो एक बात मैं आज आप सभी को स्पष्ट बता दूं, अभी मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कुछ साथी को लगा कि जो उनको अभी भी लगता है कि कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्त, उत्तर कुंजी ही एक ऐसा मामला था जो लखनऊ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद सुप्रीम, मतलब इलाहाबाद लखनऊ सुप्रीम कोर्ट हर जगह से चला है, वहीं पर MRC का भी प्रकरण था और तमाम मुद्दे थे। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर कुंजी को लेकर के हमने लोगों ने इतनी सुनवाइयाँ करा दी हैं, लेकिन क्या हुआ कि आप जिस महाशक्ति से लड़ रहे हैं ना, वो इतना पावरफुल है कि बस वही है कि अपने पक्ष में कुछ आ नहीं रहा। लेकिन अभी ग्रहों और दिशाओं का नक्षत्र वक्षत्र ना, ऐसा लग रहा है कि अब अपने फेवर में आ रहा धीरे धीरे। और अगर सब कुछ बेहतर रहा और कल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई तो ये समझ लीजिए जीत की पहली सीढ़ी कल ही चढ़ जाएंगे आप। अगर कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बातें रख दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय देकर के उस बातों को संज्ञान में लेकर के अगर एक कॉल भी कर दिया अधिकारियों को, ठीक है, या हमारे फेवर में जरा सा भी दो शब्द बोल दिए, तो यह समझ लो कल आप पहली कदम जीत की चढ़ जाएंगे और यकीनन अतिशीघ्र जो है हम सब भी बेसिक का हिस्सा होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, कल का दिन सूरज उगेगा उधर, उधर रोशनी भी दिखाई देगी कि हमारे जीवन में किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, क्योंकि हम दोनों जगह उपस्थित हैं, जमीनी स्तर पे प्रदेश के अगुवाकार मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उपस्थित हैं और न्यायपालिका सरोपरि है, ठीक है, वहां भी कल उपस्थित है। तो एक ही दिन दोनों जगह मुलाकात होनी है, तो देखते हैं क्या होता है। और अगर महादेव ने चाहा और ईश्वर ने चाहा तो कल दोस्त हमारे और आपके झोली में कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें और देखने को मिलेंगी। हालांकि कुछ साथी बहुत परेशान है, तो देखिए फ्रस्ट्रेट ना हो आप, ठीक है, अगर हम लोगों ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी तो आप भी हिम्मत ना हारे दोस्त। हिम्मत हार के क्या कर लोगे, रो के क्या कर लोगे, यहाँ गांव वाँव में क्या होता है ना, आप रोओगे बस आपका मजाक बनाया जाएगा। हमने भी फेस किया, अभी भी रिलेशंस के फ़ोन आते, मैंने ब्लॉक कर रखे हैं सारे नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड, पता नहीं कितना फ्रेंड, पता नहीं कितनी रिलेशनशिप थी, सबकी जो है बंद कर दिया फ़ोन वोन, हम उठा भी नहीं करते फ़ोन। तो वही आप सबसे भी कह रहे हैं कि थोड़ी दूरियां बना लीजिए, समाज है, आज आप असफल हैं तो लोग कह रहे हैं, कल आप सफल होंगे तो वही लोग फिर आपकी तारीफ भी करेंगे, तो ये सब चलता रहता है दोस्त, वो सब माइंड मत करिए। वेल एजुकेटेड ट्रेंड और आप योग्य हैं, आप खुद को पहचानिए, आप योग्य हैं। 2-4 गलत सवाल आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा धब्बा लगा दिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, और उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होता रहता है मेरे भाई, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, हिम्मत से काम लीजिए,
सब कुछ बेहतर होगा। तो मिलूंगा मैं फिर कल सुनवाई के अपडेट के साथ और तमाम जो स्थितियां वहां बनेंगी उन सब के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।